हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Realme 9 Pro Plus। ये जो है Realme का 9 Pro Plus और इसमें जो है पैटर्न लॉक पड़ा है, पैटर्न नहीं पासवर्ड लॉक पड़ा है, आप लोग देख सकते हो। और अगर आपका भी पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक पड़ता है, आप इसको कैसे अनलॉक कर सकते हो, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और ये जो है लेटेस्ट मॉडल है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये जो है मतलब बहुत अच्छा मोबाइल है। जो लोग यूज करता है वो लोग जो है अच्छा मोबाइल है बोल रहा है। तो अगर आप भी यूज करते हो तो इसका फीडबैक कैसा है थोड़ा बताना, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है, हैंड फीलिंग जो है बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग को उससे कुछ भी मतलब नहीं है, हम लोग इसका जो है पासवर्ड अनलॉक करेंगे। और अगर आपका पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक पड़ा है तो वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देख लेना, उसके बाद जो है आप आराम से इसको अनलॉक कर सकते हो। तो आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको इसको पासवर्ड जो है अनलॉक करना है, पहले आपको ये मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, ठीक है। देखिए, मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ। ये जो है मैंने जो है स्विच ऑफ कर लिया। और स्विच ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है ना, ओप्पो का या रियलमी का मोबाइल में वॉल्यूम का माइनस बटन में ही रिकवरी मोड आता है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम का माइनस बटन को प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपको पावर बटन प्रेस करना है। जैसे ही रियलमी का लोगो आ जाए आपको पावर बटन जो है छोड़ देना है, लेकिन आपको वॉल्यूम का माइनस बटन को प्रेस करके रखना है जब तक आपका रिकवरी मोड में नहीं आ जाता है। देखिए, इधर जो है रिकवरी मोड आ चुका है। और उसके बाद आपको क्या करना है ना, नीचे जाना है इंग्लिश में, वॉल्यूम का माइनस बटन प्रेस करके इंग्लिश में जाना है और पावर बटन प्रेस करना है। इधर जो है स्वाइप डाटा दिखा रहा है, आप देख सकते हो, स्वाइप डाटा के ऊपर आपको पावर बटन मार के क्लिक करना है। और इधर आपको फॉर्मेट डाटा मारना है। अगर आप ये फॉर्मेट डाटा मारते हो तो इधर एक सीक्रेट कोड आएगा। आप जैसे ही सीक्रेट कोड दोगे तो ये मोबाइल जो है हार्ड रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका मोबाइल में जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड है वो अनलॉक होना स्टार्ट हो जाएगा और मोबाइल जो है रीसेट हो जाएगा और आपका मोबाइल में जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड है अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है इसका मेथड, क्योंकि ये वाला मोबाइल जो है मेरे को हार्ड रीसेट नहीं करना है, क्योंकि ये जो है लेटेस्ट है और ये जो मोबाइल का पासवर्ड है मेरे को पता है, क्योंकि ये कस्टमर का है। इसीलिए मैंने आपको बताने के लिए ये वाला वीडियो जो है मैंने बताया। अगर आपका पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक पड़ता है तो आप इसको आराम से ऐसे ही अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग के जैसे जो भी ये मोबाइल यूज़ करता है उन लोग के पास भी ये वाला इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।